हे गाइज, वेलकम बैक टू डीवी स्टूडियो अगेन। दिस इज आर्किटेक्ट दीपांशु विशेष। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 40x60 फीट के एक बढ़िया लग्जरी विला की। यहाँ पर ये घर आपको स्क्वायर फीट में एरिया मिल जाता है इसका 2400 एंड गज में बात करें तो 265 गज का एरिया है। इस घर की प्रोजेक्ट डिटेल यहाँ स्क्रीन पर आप पॉज करके देख सकते हैं, ओवरऑल डिटेल पता लग जाएंगी। ये घर फुली वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया गया है तो यहाँ पर आपको हर चीज वास्तु के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। यहाँ पर हमने 3 BHK तो दिया है बट आप हैरान हो जाएंगे कि हमने और क्या क्या दे दिया है। एक तो हर बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट वॉकिंग क्लोजेट आपको मिलने वाला है, इसी के साथ आपको बड़ी किचन विद पेंट्री, पूजा एरिया सेपरेट, लॉबी आपको मिल जाएगी, बहुत ही ओपन एरिया भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, जैसे कि ओपन डेक एरिया, सिटिंग सिट आउट एरिया आपको मिल जाता है। वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। आई एम श्योर आपको ये वीडियो डेफिनेटली एक वन ऑफ काइंड हमारे चैनल पर मिलने वाली है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इस घर के फुली मॉडर्न लुक एलिवेशन डिज़ाइन के साथ। हमेशा की तरह यहाँ पर आपको एक यूनिक एलिवेशन मिलने वाला है। एलिवेशन डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना आपको अच्छा लगा। आई होप पसंद आया होगा, मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा इस बार का एलिवेशन। इस घर के तीनों साइड अदर्स प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर हमने तीनों ही मतलब चारों साइड सेटबैक दिए है, अच्छे से वेंटिलेशन इस घर का हो जाएगा। ये एंटर हो गए हम अपने कार पार्किंग एरिया में, नीचे साइजेस देखते जाना। ये रही सेटबैक्स, आपको सेटबैक्स सारी दिखने वाली हैं। ये कार एंट्री थी स्पेशली, अब आगे बढ़ेंगे तो अभी डोर में बाद में चलते हैं। ये आपको गेट मिल जाता है पेडेस्ट्रियन वाला, ठीक है। ये देख लेते हैं लेफ्ट साइड की सेटबैक, वहाँ भी कुछ कुछ है, वो भी आगे और दिखाएंगे, इंटरेस्टिंग है वीडियो काफ़ी। अभी यहाँ पेडेस्ट्रियन एंट्री गेट से आगे बढ़ेंगे तो ये डोर आपने अभी देख ही लिया था थोड़ा सा, ये हमारे घर का मेन डोर। एंट्री करेंगे तो एंट्री करते ही आप आ जाते हैं अपने फॉयर एरिया में। यहाँ पर फॉयर मिल जाता है काफ़ी बढ़िया आपको, ये कंसोल यूनिट, एक वैसे यूनिट, आप शूरेक यूनिट भी आप यहाँ रख सकते हैं बैक साइड में, जो कि रखा ही है। इस घर के फ्लोर प्लान देखना चाहते हैं तो वो भी तो देखोगे 3D के साथ साथ कैसा है, पहले 3D देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा अच्छे से, तो जाकर वो भी चेक ज़रूर कर लेना। अभी ओवरऑल आप देखेंगे राइट साइड में ही जहाँ पर आपको एक पूजा एरिया मिल जाता है, एक छोटे से वाटरफॉल, मतलब छोटा सा ही है वैसे तो, पूजा यूनिट आपको मिल जाएगा जो कि ऊपर ओपन टू स्काई है। ऊपर जाल लगा के ग्लास को लगाया गया है, पानी वानी कुछ भी नहीं आएगा, ये आप देख सकते हैं। इसको आप फिक्स भी कर सकते हैं बट हमने गैप दे के लगाया है। पूजा एरिया से आगे चलेंगे, ये आपने देख ही लिया, यहाँ पर आपको ये ओपन ड्राइंग रूम मिल जाएगा काफ़ी बड़े TV यूनिट के साथ, सिंपल एंड एलिगेंट फॉल सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं विद कोव लाइट्स, सर्कुलर फॉल सीलिंग भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सोफ़ा सेटिंग वगैरह देख सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन, जो भी चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट सेक्शन में बताते रहना। ये था हमारा पूजा एरिया, ड्राइंग रूम, अभी और आगे चलेंगे, ये आपने अभी देखा था, थोड़ी सी झलक देखी थी, ये आपको यहाँ पर डाइनिंग एरिया मिल जाता है। तो यहाँ पर ओपन डाइनिंग एरिया, मतलब ये जो ओवरऑल बनाया गया है ना घर, ओवरऑल ओपन लुक दे आपको, कम से कम वॉल्स हो यहाँ पर। ये सेटबैक में आ गए, यहाँ पर स्पाइरल स्टेयरकेस भी है, ये है सर्वेंट की एंट्री अगर आप सर्वेंट भी रखते हैं तो। डाइनिंग एरिया से चलेंगे वाह अब इसके अंदर की तरफ, यहाँ पर आपको ये L शेप में मॉड्यूलर किचन मिल जाती है विद लॉट्स ऑफ स्टोरेजेस। यहाँ पर स्टोरेज की कोई कमी नहीं होने वाली, ऊपर तक स्टोरेज दे दिया आपको। एंड इसके बाद जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, किचन के साथ पेंट्री मिल जाती है, तो यहाँ पर ये वेट एरिया भी है, यहाँ पर सिंक प्लेस कर दिया है, विंडो फ्रंट की साइड है,
और यहाँ पर ये पेंट्री यूनिट, यहाँ पर टॉल यूनिट लगाएं, ये क्रॉकरीज वगैरह भी आप रख सकते हैं इजीली। आगे चलेंगे मॉड्यूलर किचन से, तो डाइनिंग हो गया। स्टेयरकेस लिफ्ट एरिया काफ़ी बढ़िया लग रहा है, बहुत ही मॉडर्न लुक और बढ़िया लुक दे रहा है, उसमें अभी बाद में जाएंगे। यहाँ एंटर कर जाते हैं हम अपने बेडरूम नंबर 1 में। तो यहाँ पर बेडरूम नंबर 1 मॉडर्न डिज़ाइन के साथ सारे डिज़ाइन कंट्रास्ट में कलर दिए गए हैं, सिंपल फॉल सीलिंग डिज़ाइन, मतलब सिंपल तो नहीं है, थोड़ी थोड़ी आपको यहाँ पर मस्त मॉडर्न फॉल सीलिंग भी मिलेगी। ये आप देखेंगे यहाँ पर आपको टीवी यूनिट भी काफ़ी बड़ा मिल जाता है। बेडरूम नंबर 1 में ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको ये वॉकिंग क्लोजेट एरिया, जैसा मैंने आपको बताया हर बेडरूम के साथ वॉकिंग क्लोजेट मिलेगा, ग्लास वार्डरोब फुल स्टोरेज के साथ विद एक मिरर भी, अलग से सेपरेट मिरर दे दिया है एक मॉडर्न लुक की शेप में, एंड ऑब्वियसली एक आपको अटैच टॉयलेट तो फिर यहाँ पर मिल ही जाएगा। वास्तु के अकॉर्डिंग यहाँ पर वॉश बेसिन, WC शॉवर की प्लेसमेंट की गई है, WC वॉल पर भी आपको यहाँ पर काफ़ी स्टोरेज मिल जाएंगी वॉशरूम के सारे जो भी सामान होते हैं उनके लिए, वॉशरूम एक्सेसरीज़ के लिए। आगे बढ़ेंगे इस बेडरूम नंबर 1 से तो यहाँ पर हमारा एक और एरिया मिल जाता है काफ़ी बढ़िया इंटरेस्टिंग, यहाँ पर हम बेडरूम भी बना सकते थे। ये आपको ओपन सिट आउट एरिया मिल जाता है काफ़ी बढ़िया, मतलब ये ड्राइंग रूम से अटैच है, तो ड्राइंग रूम में बैठे हैं तो बाहर ओपन एरिया में बैठना है, यहाँ आकर आप बैठ सकते हैं, काफ़ी बढ़िया एरिया, बढ़िया एरिया आपको मिल जाता है। सेटबैक्स आपको हर तरफ से आपको मिल जाएंगी, ओपन ओपन लगेगा पूरा घर। अब ये क्या मिल जाता है आपको, ये आपको पाउडर रूम मिल जाता है, यहाँ पर हमने कॉमन, मतलब इसको कॉमन टॉयलेट बोल सकते हैं, वॉश बेसिन WC प्लेस की है, शॉवर नहीं है। चलते हैं ऐसी ओपन डेक एरिया या फिर सिट आउट एरिया कुछ भी बोल सकते हैं इससे अंदर, यहाँ देखा आपने ड्राइंग रूम से अटैच था, तो ये था हमारा ओवरऑल ग्राउंड फ्लोर की रिक्वायरमेंट। यहाँ पर ये सर्कुलर में लिफ्ट एंड सर्कुलर घूमते हुए हमें स्टेयरकेस मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया लुक दे रहा है, ग्रैंड लुक दे रहा है। अभी ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत कुछ है, एक एक करके देखते हैं। फॉल सीलिंग डिज़ाइन आप यहाँ पर स्पेशल देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया बढ़िया किए गए हैं। ये एक झूला एरिया मिल गया आपको, हैंगिंग चेयर लगा सकते हैं आप, ग्लास वगैरह पार्टीशन देख सकते हैं, ये आपका फैमिली लॉन्ज एरिया बन जाता है फर्स्ट फ्लोर पर। आगे बढ़ेंगे इससे तो यहाँ पर अभी काफ़ी कुछ कुछ डोर्स हैं, ग्लास डोर्स दिए गए हैं, यहाँ से एंटर हो जाएंगे तो यहाँ पर आप वॉशिंग मशीन एज अ यूटिलिटी एरिया इसको बना सकते हैं, तो यहाँ पर आप अच्छे से कपड़े वगैरह भी सुखा सकते हैं, काफ़ी बढ़िया एक बड़ी बालकनी टाइप इसको बोलते हैं, टाइप क्या बड़ी बालकनी ही है ये, फ्रंट से आप यहाँ देख सकते हैं। इसी से अब वापसी अंदर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर फैमिली लॉन्च के पास में एक ये पार्टीशन भी था, इस पार्टीशन के बाद आपको एक बढ़िया बड़ा स्टडी एरिया मिल जाता है, इसको एज आप घर की लाइब्रेरी बोल सकते हैं, स्टडी एरिया, वर्क फ्रॉम होम एरिया, कुछ भी आप बोल सकते हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं, लॉट्स ऑफ स्टोरेजेस भी हैं। ये ग्लास डोर है, फिर से यहाँ पर एक और टेरेस मिल जाता है, तो ये आपको फर्स्ट फ्लोर का ओपन सिट आउट एरिया मिल जाता है, यहाँ भी आप सिट आउट आराम से कर सकते हैं, सेमी कवर्ड है मतलब। वापसी चलेंगे अंदर इसी ग्लास डोर से होते हुए, स्टडी एरिया, फैमिली लॉन्च एरिया, ये ग्लास जो पूजा एरिया था ना आपने स्टार्टिंग में देखा था, ये झूला एरिया। अभी बैक साइड ये कोने वाले डोर में चलते हैं, ये मिल जाता है आपको बेडरूम नंबर 2, तो यहाँ पर ये भी मॉडर्न लुक में किया गया है, कलर कॉम्बिनेशन, कंट्रास्ट, फॉल सीलिंग विद ट्रैक लाइट्स एंड कोव लाइट्स, दो टाइप की लाइट्स हैं इसमें, सिंपल टीवी यूनिट दे दिया है, यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं भी है तो मत लगाइए। इसी बेडरूम के साथ फिर से आपको इसकी वॉकिंग क्लोजेट मिल जाएगी मॉडर्न डिजाइन में, यहाँ पर मिरर भी मिल जाएगा एक आपको बड़ा।
आगे चलेंगे तो ये आपको यहाँ पर इसका अटैच टॉयलेट भी मिल जाएगा। फिर से इसमें तीनों चीज़ दे दी गई हैं जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग लगाई गई हैं, वो आप देख सकते हैं अच्छे से। प्लान में चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लान ज़रूर जाकर चेक करना। और इसकी वेंटिलेशन की प्रॉब्लम है ही नहीं, कहीं भी वेंटिलेशन की दिक्कत ही नहीं है, चारों तरफ से हमने सेटबैक दिया, अच्छे से होगी। चलते हैं आगे वॉशरूम से। वॉकिंग क्लोजेट आया बेडरूम नंबर 2, इससे बाहर आ जाते हैं झूला एरिया इन इस ओपन फैमिली लॉन्च एरिया। एक और डोर मिलता है जो कि स्टेप्स के साथ ही था, इससे एंटर हो जाएंगे किस में, आपको पता ही है, बेडरूम नंबर 3 में। यहाँ पर भी इसका एक यूनिक डिज़ाइन बनाया गया है विद यूनिक फॉल सीलिंग डिज़ाइन। काफ़ी यूनिक डिज़ाइन इस बार भी हमने बनाने की कोशिश की है, तो प्लीज़ बता दिया करो कमेंट सेक्शन में कैसा लगा, लाइक कर देना अगर अच्छा लगा हो तो। बड़ा टीवी यूनिट भी आपको मिल जाता है मॉडर्न डिज़ाइन में। चलते हैं बेडरूम नंबर 3 से वापसी अंदर की तरफ। अभी इसमें भी तो बहुत कुछ है, फिर से वॉकिंग क्लोजेट मिल जाती है ग्लास वाली। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो येलोइश और गोल्ड फिनिश में जो आपको दिख रहा है, ये SS की प्रोफाइल्स लगाई गई हैं, काफ़ी एक प्रीमियम लुक देती हैं। इसी के साथ आपको इसका अटैच टॉयलेट विद उसी बेडरूम के मैचिंग का कलर कॉम्बिनेशन टाइल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं विद वही, मतलब इसकी प्लेसमेंट नीचे वाले बेडरूम की तरह ही है, वही लॉट्स ऑफ स्टोरेजेस आपको इसमें तीनों चीज़ मिल जाएंगी। ऑब्वियसली तीनों क्या, वॉश बेसिन, WC, शॉवर। टॉयलेट से चलते हैं बाहर की तरफ। ये था वॉकिंग क्लोजेट एरिया, आ गए इससे बेडरूम नंबर 3 में। हर बार मैं गलत कर देता हूँ नंबर्स। यहाँ पर आ गए, ये था ओपन वही फैमिली लॉन्ज एरिया। तो ये था ओवरऑल हमारा फर्स्ट फ्लोर का। अभी चलते हैं, अभी एक और चीज़ बहुत मस्त बाकी है, अभी जाना मत, एंड तक देखना। ये अब आ गए हम अपने ममटी एरिया में और यहाँ से कुछ कुछ व्यूज़ दिखने चालू हो गए। अब आपको यहाँ से एंटर कर जाते हैं बढ़िया से टेरेस गार्डन की तरफ। काफ़ी अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों में, देखते जाओ। ये सर्वेंट वाला पार्ट है, अभी दिखाते हैं। यहाँ पर बैक साइड में भी एक छोटा, मतलब काफ़ी पार्ट में डिवाइडेड है, एक तरह से ऑब्वियसली टेरेस ही है। वॉल लाइट्स लगाई गई हैं यहाँ पर, प्लांटर वगैरह, ग्रेवल्स, काफ़ी कुछ चीज़ें देख सकते हैं। ये स्पाइरल स्टेयरकेस है जो मैंने नीचे से दिखाए थे, जो सर्वेंट एंट्री के लिए दिए गए हैं। आगे चलेंगे तो ये ब्लॉक जो मिल जाता है, इसमें लेफ्ट वाला डोर जो है ये आपको मिल जाता है टॉयलेट, ठीक है। यहाँ पर टॉयलेट मिल जाता है, इसको आप एज आ अपने लिए यूज़ करिए, सर्वेंट के लिए ऑब्वियसली उनके लिए भी चाहिए होगा तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ ये डोर है, ये सर्वेंट का यहाँ पर हमने बना दिया है छोटा सा सेटअप रख के। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये एक्सेंट वॉल तो आपने देख ही ली थी, और आगे यहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रासेस और ये OTS वाला, ये जो पूजा एरिया के टॉप पे था ये वो है हमारा। आगे चलेंगे तो यहाँ पर भी सेमी कवर्ड एरियाज मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको बार काउंटर्स मिल जाते हैं, बार एरिया आपको टेरेस पर मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया। यहाँ पर आप अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स भी रख सकते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर हमने कुछ यहाँ पर शो नहीं किया है वैसा, और लग रहा हो तो वो बात अलग है। इसके बाद यहाँ पर आप बारबेक्यूज़ वगैरह भी कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया पार्टी एरिया आपका यहाँ पर मिल जाता है। न्यू ईयर की, मतलब न्यू ईयर तो अभी गया ही है, बल्कि ये एक सिट आउट एरिया भी आपको मिल जाता है न्यू ईयर पार्टी वगैरह के लिए, तो बहुत बढ़िया स्पेस मिलता है आपको ये। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, आपने लाइक कर ही दिया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ अब कर दो यार लाइक, एक काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें। अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने सुझाव वगैरह ज़रूर देना, इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बेकार लगा, सब बता देना कमेंट में। DV स्टूडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट आपको मिलते रहेंगे, सब्सक्राइब कर लो, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। तो चलते हैं अभी, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।